आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी बैंगन की सब्जी। और क्या आपको बैंगन पसंद है कि नहीं, ये कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बैंगन की ऐसी सब्जी बनाने के बाद हर किसी को बैंगन अच्छा लगने लगेगा। मैंने ना यहाँ 300 ग्राम बैंगन को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। बैंगन को अच्छे से साफ करने के बाद हम बेसन की भुजिया को पीस लेंगे। मैंने ना यहाँ एक बड़ा कप जितना बेसन के भुजिए को पीस लिया है। बेसन के भुजिए को पीसने के बाद फिर इसमें मैंने एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन की पेस्ट और मैंने यहाँ पर आधा नींबू निचोड़कर डाल दिया है, आधी चम्मच चीनी और लास्ट में मैंने यहाँ धनिया चॉप करके डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब बैंगन को कुछ इस तरह से काट कर हमने जो मसाला बनाया था उस मसाले को बैंगन में डाल देना है। कुछ इस तरह से सारे मसाले को बैंगन में अच्छे से भर लेना है। एक पैन में 2 चम्मच घी और 3 चम्मच तेल लेना है और जब तेल गर्म हो जाए तब आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग डाल देंगे। 2 तेज पत्ता, 3 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 छोटी सी दालचीनी डालकर अच्छे से घी में फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ 2 टमाटर कट करके रखे थे, वो भी डाल देंगे। जब टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए तब आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। और जब ये मसाला अच्छे से पक जाए तब हम इसमें बैंगन भरने के बाद जो बेसन के भुजिया वाला मसाला बचा था वो डाल देंगे और 3-4 मिनट अच्छे से पकने देंगे, फिर बैंगन भी ऐड कर लेंगे। अब ढक्कन बंद करके हमें ये बैंगन की सब्जी को धीमी आंच पर पकने देना है। धीमी आंच पर कोई भी सब्जी पकाने से सब्जी की मिठास बढ़ जाती है, इसलिए हमें धीमी आंच ही रखनी है। फिर जब बैंगन अच्छे से पक जाए तब हम इसमें 1 कप जितना पानी डालकर वापस इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। और जब बैंगन अच्छे से पक जाए तब हमारी बैंगन की सब्जी सर्व होने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ बैंगन की सब्जी को बाजरे की रोटी के साथ सर्व किया है और गुजराती में इसे बाजरे का रोटला ऐसा कहते हैं। तो अगर आपको ये बैंगन की सब्जी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।